इसमें देखोगे आप डेल वी अपॉन डेल एक्स में कितने से मल्टीप्लाई हुआ है एक्स तो क्या पास हो गया मल्टीप्लाई कर सर बोलो ये आपने एग्जाम का उत्तर बताया था ना कल तो इसमें ये एफ ऑफ एक्स में इक्वल टू 0 फाई ऑफ वाई ऑफ जेड इक्वल टू 0 दे रखा है तो अपने को ये कैसे पता चला कि ये इफेक्ट है कौन सा सिटी बाय सेट का टाइप क्वेश्चन पाते हैं लेकिन हमने फिर भी अगर इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो भी ये इम्प्लिसिट फंक्शन के तौर पर ही दिया तो वो पता कर सकते हैं तो हमें कौन सी एन वो टेन दैट इज मल्टीप्लाई टू द एक्स स्क्वायर दैट इज अपॉन वैल्यू प्लस 2 एक्स वाई दैट बी अपॉन वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 अभी ऐसे ही v के लिए करेंगे ना फाइंड द रेस्टोरेंट इसको लिखोगे डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल वी इसके साथ में आएगा इसका वाई के रेस्टोरेंट में डेल यू अपॉन डेल वाई और यहाँ डेल वी अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की लिमिट क्या है डेल यू अपॉन डेल वाई तो इसका वैल्यू और वाई स्क्वायर का टू वाई और ये कितना है टेन बी हुआ टेन प्लस अब देखो टेन ये डेल बी अपॉन डेल वाई का रूट क्या आएगा बी का वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई का तो वन हो जाएगा टू एक्स वन का ठीक है और क्या आएगा टेन बी अपॉन डेल कितना आएगा डेल बी अपॉन डेल बी इसमें क्या हो रहा है बाइक से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाइक से मल्टीप्लाई तो ये बना तो बी अपॉन डेल वाई इक्वल टू बाइक से मल्टीप्लाई कर दो तो बाइक स्क्वायर डेल बी अपॉन डेल वी प्लस टू एक्स वाई डेल बी अपॉन डेल वी इसको सेकंड नंबर डालोगे तो बताओ क्या नंबर आप
और का क्या आप देखिए तो हां सबट्रैक्ट करो 1 माइनस 2 माइनस 4 ना तो ये बना x डेल v अपॉन डेल x माइनस y डेल कैपिटल v अपॉन डेल y इक्वल टू देखिए ये टर्म इधर दोनों से कैंसिल हो गई तो ये बना यहां 2 x स्क्वायर डेल v अपॉन डेल y x square minus y square equal to या तो x square minus y square या फिर हम x square minus y square को निकालें इसको निकालने के लिए x square minus y square इसको तो u की वैल्यू क्या है पास x square minus y square x का भी square minus y square आया v यानी 2x y तो 2x y का square क्या बनाएंगे x square plus 2 x square minus the y minus 4 x square y square कितना हमारा x square और ये कितना है plus का 2 x square y square और minus का 4 तो ये minus का x square y square आएगा का y square इसको क्या कर सकते हो x square minus y square का whole square इक्वल है b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर तो यहां से b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर की पावर हाफ निकाले तो क्या हमारा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नोट करें इसको नोट कीजिए
है आप इसमें पर हम लोग भी आप देखेंगे जनरल करते हैं क्या रहा अब देखेंगे आप इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक का क्वेश्चन ए एक्सरसाइज की तरह करो 10th क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 10 और ये x equal to x equal to chi cos alpha और यह theta sin alpha y equal to chi sin alpha plus theta cos alpha आपको प्रूफ करना है इसमें प्रूफ करना है आपको del square u upon del x square plus del square u upon del y square equal to del square u upon del y square plus del square u upon del y square. Okay, ये हमें प्रूफ करना है. इसके लिए देखेंगे आप थीटा पे, तो इसका मतलब हुआ कि जो u फंक्शन है यहाँ से देखेंगे तो u और ये u फंक्शन है x और y का. तो आप कह सकते हो यहाँ कि u है वो फंक्शन है किसका x y का और x और y किसके जाइए होगी क्या पे. तो आप क्या करेंगे सिंस del u upon del x यहाँ जो आपको del u upon del x लिख रहा है इसको आप लेके चलेंगे तो इसको del u upon del x x के रेस्पेक्ट में कहाँ है हमारे ये हम लोग यहाँ फंक्शन लिख लेते हैं u है u equal to the नाम u है वो x y का फंक्शन है फंक्शन ऑफ x y u x y का फंक्शन है. तो इसको इस वाले पार्ट्स को लेके चलो इसके अकॉर्डिंग u का जाय के रेस्पेक्ट में करें then u upon del y. तो देखिए u का फंक्शन u का अपॉन del x y के रेस्पेक्ट में तो u upon del x plus del u upon del y और इसका मतलब है डायरेक्ट नेक्स्ट का हम जाएंगे रेस्पेक्ट में और y का भी जाएंगे रेस्पेक्ट में. ये वाले का क्या बनेगा फॉर्मूला जाने को ना आएगा डेल y को डेल y तो ये बनाएंगे नॉट है u अपॉन डेल y इक्वल टू तो क्या है अपॉन डेल y क्या होगा x का जाएंगे रेस्पेक्ट में करोगे y का वर्ग हो जाएगा cos अल्फा बचा और ये रहा डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल वाई अपॉन डेल वाई का पाई का साइन रेस्पेक्ट में तो डेल वाई हो जाएगा साइन और डेल यू अपॉन डेल वाई. अब देखो इसमें क्या है यहाँ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जाइ स्क्वायर इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो आगे डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट जाइ तो ये बनेगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जाइ स्क्वायर. लेकिन इधर देखो ये कॉस अल्फा है जो कि कांस्टेंट है डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जाई. तो यहां देखोगे ये u का डिफरेंशिएशन अभी x के रिस्पेक्ट में तो पहले तो u का x के करो लेकिन अब x का करो जाई तो del x upon del जाई प्लस ऐसे ही यहां sin अल्फा और ये u का पहले y के होगा लेकिन अब y का करो जाई के तो del y upon del जाई तो ये बन जाएगा ये बन cos अल्फा तो यहाँ इक्वेशन नंबर 5 डाल दिया. अब हम क्या करेंगे इसमें डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देखो डेल यू अपॉन डेल जे निकला डेल यू अपॉन डेल जे निकला है कि डेल यू अपॉन डेल थीटा निकला हुआ है ना डेल यू अपॉन डेल थीटा क्या बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई लेकिन हमें इस रिस्पेक्ट का अपना तो डेल एक्स अपॉन डेल थीटा क्या है एक्स का ही रिस्पेक्ट में ये लो थीटा एक वन होगा माइनस का साइन अल्फा है और क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स
तो डायरेक्ट अपॉन डेल्टा प्लस और अल्फा कांस्टेंट यहां u का y के रेस्पेक्ट में करो पहले डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर लेते अब y का करो बेटा के रेस्पेक्ट में डेल y अपॉन डेल्टा कोई प्रॉब्लम अब आप क्या करोगे इसमें अब आप क्या करोगे इसमें देंगे डायरेक्ट अपॉन डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है x साइड आगे एक्सपेक्ट में ये 0 थीटा 1 तो माइनस साइन पर सो माइनस साइन इस पर से जाएगा ना ये एक माइनस साइन यहां से एक यहां से तो क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा ये डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर यहां से एक कॉस आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल वाई स्क्वायर इसको नंबर सेकंड डालते हैं अब दोनों को ऐड कर लो इन दोनों को ऐड करो ऐड कर दो क्या रहा है यानी 1 प्लस 2 इंप्लाइज डेल स्क्वायर स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जाइ स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा डेल को इन दोनों का उसके डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कॉमन तो कॉस स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बन जाएगा तो ये बचा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो ये रहा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लास्ट में यहां से डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर कॉमन तो डेल स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा डायरेक्ट कंप्लीट डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल वाई स्क्वायर इसको इधर लिख दूं यहां पे जे इसको इधर लिख दूं और इसको इधर लिख दूं हो गया ना फुल नोट कीजिएगा अरे इसको कंप्लीट करो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे अब आप, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर आई है सर नंबर का क्वेश्चन दिया है आपको ठीक समझ गया मैं अच्छा अगर कोई नहीं हुआ तो बता दें मैं कंटिन्यू आप सकते हैं ये भी पॉइंट को फाइनल पॉइंट सेलेक्ट करना है इसमें बात है एंड फाइनल पॉइंट 40 की ऊपर है ऊपर के आने आपको क्या है x माइनस y का करोगे तो y के रेस्पेक्ट में x का देखो y का क्या होगा पार्ट देखिए माइनस है तो ये आएगा माइनस 1 इन में y और dt तो y का dt के रेस्पेक्ट में करो 3 आ जाएगा तो t स्क्वायर हो गया ना अब इसका एलसीएम लो कितना आएगा ये एलसीएम माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर कितना आ रहा है ऊपर 3 माइनस का 12 t स्क्वायर कितना आ रहा है 3 * 1 माइनस का 4 t स्क्वायर आप देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या होगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x y प्लस y स्क्वायर क्या होगा ऊपर 3 1 माइनस का 4 t स्क्वायर अपॉन में कितना है 1 माइनस x स्क्वायर प्लस का 2x y प्लस का y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर ये देखो कितना बना ये 3 * 1 माइनस का 4 t स्क्वायर अपॉन में है ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास डीटी डीटी का स्क्वायर करोगे तो नाइन टी स्क्वायर हो जाएगा ना प्लस टू एक्स मिल गया यानी एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करो उसमें टू से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा ट्वेल्व इनटू टू और होगा तो 24 टी फोर तो ये बना 24 टी फोर और क्या माइनस फाइव स्क्वायर का इसका स्क्वायर करोगे तो 16 टी सिक्स कितने इक्वल है ये du / dt इक्वल टू कितना रहा ऊपर 3 * 1 - 4t² 1 - 4t² लेकिन समझेंगे अब आप यहां स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है उसको देखो और यहां क्या है देखो आप देख पा रहे हैं 1 - t² एक फैक्टर बन रहा है तो इसको 1 - t² के फॉर्म में इसको तोड़ लो तो ये बनेगा स्क्वायर रूट में 1 - देखो 9t² है ना 9t² t² कर लिया और 8t² को यहां लिख दिया फिर प्लस 20 हो रहा है ना इसमें से 8t4 को इधर लिखा और प्लस का 16t4 को इधर लिखा देखो ये 24 तो हो रहा है माइनस 16t6 को यहां लिख दिया लास्ट में क्या बना 3 * 1 - माइनस का 4t² अपॉन में क्या आ गया देखो तो मैं बैठ गया 1 minus t square brings up to दोनों में से minus का 8t square common common लिया 8t square का क्या बना minus का t square equal to plus दोनों में से 16t4 common तो क्या बनता है 1 minus का t square बचा अब कैसे हम क्या करोगे 3 * 1 minus 4t square इसमें से common लिया जाए 1 minus t square तो क्या है 1 minus का 8t square और प्लस का कितना है 16 t 4 तो प्रॉब्लम क्या रहा ऊपर 3 * 1 - 4 t स्क्वायर अपॉन में 1 - t स्क्वायर और देखिए ये जो फार्मूला होता है वो होता है 1 - 4 t स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है ना
देखो इसका होल स्क्वायर कराएं मिलेगा 50 से बाहर निकालना है तो ये स्क्वायर अंदर आ गया तो इससे ये कैंसिल हो गया ऊपर 3 रहा ये जो 1 माइनस की स्क्वायर है इसको ऊपर ले मतलब माइनस 1 बाय 2 हो गया समझे कि नहीं नोट करें बोलो जी